एक्यूप्रेशर में बहुत सारे डायग्नोस्टिक टूल्स हैं, जैसे आई डायग्नोसिस, ईयर डायग्नोसिस, नोज डायग्नोसिस, नेल डायग्नोसिस, टंग डायग्नोसिस, यानी आपने आंखें देखी और पहचान लिया कि इंटरनल किस ऑर्गन में गड़बड़ी है, ट्रीटमेंट कर दिया तो बीमारी ठीक। ऐसे ही टंग को देखा, टंग में किस जगह पर ब्लैक स्पॉट्स आ रहे हैं, कहीं कोई क्रैक्स तो नहीं है, आपने उस एरिया को डायग्नोस किया और जब ट्रीटमेंट किया उस ऑर्गन की गड़बड़ी का, वो बीमारी जड़ मूल से ठीक हो गई। ऐसे ही आज हम बात करते हैं कि टंग डायग्नोसिस का ही है, यदि किसी के टंग में बहुत ज्यादा क्रैक्स आ रहे हैं, वो लोगों में संभावना ज्यादा है जो लोग बहुत ज्यादा स्टेरॉइड का सेवन जिन्होंने किया है, या वो बच्चे या बड़े जिन्होंने जब भी कभी बीमार हुए तुरंत उन्होंने एंटीबायोटिक्स का ले लिया, सेवन कर लिया। क्योंकि जनरली बच्चों के केस में तो जब भी बच्चे बीमार होते हैं तो पेरेंट्स घबरा जाते हैं, तुरंत चिकित्सक के पास लेके जाते हैं और चिकित्सक उन्हें एंटीबायोटिक्स दे ही देते हैं। और जिन्होंने ज़्यादा एंटीबायोटिक्स खाई तो कुछ ऐसी क्या गड़बड़ी हुई, किस ऑर्गन पर इफेक्ट पड़ा इन सारी मेडिसिंस का, और उसके जो सिम्टम्स दिखाई देंगे ना, जो क्रैक्स के रूप में सामने आएंगे, कुछ क्रैक्स हैं कि हॉरिजॉन्टल क्रैक्स हो सकते हैं, वर्टिकुलर हो सकते हैं, या बिल्कुल डीप वर्टिकल क्रैक हो सकता है, तो सबके अलग अलग कारण हैं। ओल्ड एज में तो बहुत ही कॉमन है, तो ओल्ड एज का जो क्रैक होने का जो कारण है वो है किडनी की इनडेफिशेंसी की वजह से, और वो लोग जिन्होंने बहुत अधिक मात्रा में स्टेरॉयड खाया है या एंटीबायोटिक्स के सेवन किया है, उनमें जो संभावना है वो है स्टमक यिन डेफिशिएंसी की। यानी कि देखिए, जब भी कभी हम बहुत ज़्यादा गर्म दवाइयाँ खाते हैं या गर्म तासीर की चीज़ें खाते हैं, आप लोगों में से बहुत होंगे कहेंगे हमने तो बहुत समय से मेडिसिन ही नहीं खाई है फिर भी हमारी टंग में क्रैक्स आ रहे हैं, तो क्या कारण है। जैसे कि जब हम अपनी बात करते हैं कि जब कभी बारिश नहीं होती तो भूमि में क्या से क्रैक्स आ जाते हैं कि नहीं आ जाते, ज़मीन में भी क्रैक आ जाते हैं जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है पानी की कमी की वजह से। ऐसे ही वो लोग जिन्होंने बहुत गर्म तासीर की जो चीज़ें खाते हैं, पानी की कमी है शरीर में, उनके भी टंग में देखने को मिलता है कि क्रैक्स आ रहे हैं। तो साथियों, एक्यूप्रेशर थेरेपी में बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है जो टंग में क्रैक्स आ रहे हैं उनका, क्योंकि ये अच्छी चीज़ नहीं होती। यदि बहुत गहरा क्रैक आ गया तो कभी कभी खाते खाते कोई चीज़ें उसमें फंस जाती हैं तो निकालना मुश्किल होता है, फिर दर्द भी हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और विस्तार से समझते हैं उस खास एक्यूप्रेशर पॉइंट को, कि जब भी आपके यदि क्रैक आ रहा है टंग में, तो आप जब स्टिमुलेट करेंगे उस पॉइंट को तो आपकी जीभ बिल्कुल स्मूथ हो जाएगी, चिकनी हो जाएगी, क्रैक उसमें फिर नहीं रहेगा। आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर ऋचा वार्ष्णेय संभव नेचर केयर हॉस्पिटल लखनऊ से, स्वागत करती हूं आप सभी का घर बैठे चिकित्सा कार्यक्रम में। साथियों, सबसे पहले निगाह डालते हैं कि ट्रीटमेंट के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। हमें ज़रूरत होगी टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट की। देखिए, बहुत छोटा सा होता है, एक तरफ से ये येलो कलर का, दूसरी तरफ से ये व्हाइट कलर का होता है। दूसरा, ज़रूरत होगी हमें पेपर टेप की। आइए निगाह डालते हैं उन खास एक्यूप्रेशर पॉइंट्स पर। सबसे पहले बात करते हैं मिडिल फिंगर की। मिडिल फिंगर में हम जब अपर फैलिंग्स की में आते हैं तो देखिए, आप इस तरीके से लाइन खींचिए, यानी एक वर्टिकल लाइन और एक है हॉरिजॉन्टल लाइन, बिल्कुल मिड पार्ट में हॉरिजॉन्टल किया, बीचों बीच आपने वर्टिकल लाइन किया, जहां पर ये लाइन आपस में मिल रही है वहीं हमारा ये पॉइंट है। पॉइंट का नाम है SP3। मिड लाइन में ही नीचे जाएंगे तो जो हमारा अपर जॉइंट है, अपर जॉइंट से स्लाइटली नीचे मिड लाइन पर ही ये पॉइंट है। पॉइंट का नाम है SP6। ऊपर वाले का SP3, नीचे वाले का SP6। अब बात करते हैं एक और पॉइंट है साथियों, मिडिल फिंगर रिंग फिंगर के बीच में यदि हम मिड लाइन खींचें। अब मिड लाइन कैसे खींचें इसको समझते हैं।
हमने मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में एक डॉट किया, जो हमारी रिस्ट फोल्ड है इसका हमने हाफ कर दिया, निशान लगा लिया। आप इस लाइन को और इस लाइन को आपस में मिला लेंगे, क्योंकि इसी लाइन के अंत में ही है हमारा वो पॉइंट। इस तरीके से हमने लाइन को मिला लिया। अब आप कोई भी कुंद चीज़ या प्रोब लीजिए, धीरे धीरे अपनी प्रोब को या कुंद चीज़ को आगे आप बढ़ाते जाइए, जहाँ पर भी आपकी कुंद चीज़ आकर रुक जाए, क्योंकि उसके बाद फिर उभार शुरू हो जाएगा, वो आगे ऊपर नहीं बढ़ेगी, एग्जैक्टली वहीं पर वो पॉइंट है। मार्क कर लीजिए उस पॉइंट को, इस पॉइंट का नाम है CV12, जो कि बहुत खास हमारा पॉइंट है। तो SP3, SP6, CV12, एक और पॉइंट साथियों पीछे आएंगे मिडिल फिंगर में, मिडिल फिंगर, मिडिल जॉइंट, जॉइंट से स्लाइटली नीचे टुवर्ड्स थंब, ये पॉइंट है, पॉइंट का नाम है स्टमक 36। अब क्या करेंगे इन पॉइंट्स में, जो हमने टोनिफिकेशन सेडेशन मैग्नेट्स दिखाए थे ना साथियों, पेपर टेप में आपको इस तरीके से लेना है कि स्किन को जो टच करेगा वो इसका येलो कलर, और लगने के बाद बाहर से जो दिखाई देगा वो वाइट। तो हमारा पहला पॉइंट था CV12, क्योंकि बड़ा है तो बड़ा सा मैग्नेट हमने ले लिया, और इस जगह पे हम लगा लेंगे CV12 के ऊपर। अब बात करते हैं SP6 की। SP6 पे भी इस तरीके से मैग्नेट को लेंगे कि स्किन पे जो टच होगा वो येलो, बाहर से जो दिखाई देगा वो वाइट। SP3 पर भी इस तरीके से मैग्नेट को लगाएंगे कि स्किन पे टच होगा येलो, बाहर से जो दिखाई देगा वाइट। अब बात करते हैं स्टमक 36 की। यहाँ पर भी हमें इस तरीके से मैग्नेट को लगाना है कि स्किन पे टच होगा येलो, बाहर से दिखाई देगा वाइट। यानी हमने सारे पॉइंट्स को किया है टोन। पॉइंट्स बायलेटरल है, यानी दोनों ही हाथों में। अब दोनों ही हाथों में इस ट्रीटमेंट को कर सकते हैं। रोज रात में लगाकर सो जाइए पॉइंट्स को। जब आप सुबह उठेंगे तो मैग्नेट को निकाल दीजिएगा, आपस में मैग्नेट्स को जोड़कर रख दीजिएगा। ये मैग्नेट्स एक दूसरे को जब जुड़ते हैं ना तो चार्ज कर देते हैं। ये नेक्स्ट डे फिर से तैयार हैं आपके ट्रीटमेंट के लिए। मैग्नेट्स कभी भी ख़राब नहीं होते हैं। आपको भी आवश्यकता है इन मैग्नेट्स की तो निगाह डालिए नीचे, एक वेबसाइट की लिंक है sambhavkeyur.com। पूरी एक्यूप्रेशर किट अवेलेबल है, आप यहाँ से मंगा सकते हैं। साथियों, ये चिकित्सा तो बहुत ही सरल है, और बड़े मजे की बात, आप घर पर रहकर भी किसी भी एज में हो ना इस चिकित्सा को सीख सकते हैं। निगाह डालिए स्क्रीन पर, देखिए बहुत सारे कोर्सेज हैं जो हमने डिजाइन ही किए हैं कि हम घर बैठे आपको ये सारी चीजें सिखा सके। मन है आपका कोर्स में एनरोल होने का तो आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी एनरोल कर सकते हैं, या कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कॉमेंट्स में भी लिख सकते हैं, मैं आपके डाउट को जरूर क्लियर करूंगी। आप भी ग्रसित हैं बहुत सारी परेशानियों से, उपचार चाहते हैं एक्यूप्रेशर थेरेपी से, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, या वेबसाइट में बुक एन अपॉइंटमेंट का ऑप्शन है, आप अपना अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, डायरेक्टली मेरे से बात हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई बात के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।